केंद्र सरकार किसी भी राज्य का पैसा नहीं रोक रही है। प्रदेश सरकार के जो मंत्री ऐसा बोल रहे हैं वे ठीक नहीं कर रहे हैं। थावरचंद गहलोत ने उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें केंद्र द्वारा प्रदेश सरकार के हिस्से के 6,500 करोड़ रुपए रोकने की बात कही गई थी। ये बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कही। थावरचंद गहलोत उज्जैन में आयोजित मलखम्ब सेंटर का शुभारंभ करने पहुंचे थे। केंद्र मंत्री थावरचंद गहलोत श्री सागर स्टेडियम में मलखम्ब केंद्र का उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने एक ही मंच से प्रदेश के 8 मलखम्ब केंद्र का उद्घाटन किया। बताया कि उज्जैन के गुरु अखाड़ा व्यायामशाला, श्री सागर स्टेडियम और लोकमान्य तिलक स्कूल समेत शाजापुर, सागर, पन्ना और छतरपुर में मलखम्ब के खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। मोदी सरकार खेलों के प्रति संवेदनशील है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में वह जरा भी पीछे नहीं है। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा नए मोटर व्हीकल एक्ट पर उठाए सवाल पर कहा कि नया एक्ट वाहन चालकों के हित में है। जनता की जान माल का ख्याल रखना सरकार का काम है। हाल ही में असम को लेकर जारी हुई NRC की सूची से पूर्व अधिकारी और विधायक का नाम नहीं होने के मसले पर कहा कि NRC पर भाजपा और भारत सरकार की नीति स्पष्ट है। जो नीति बनी हुई है और जो प्रावधान है आगे भी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। विधायक मोहन यादव, पारस जैन, महापौर मीना जोनवाल, नगर निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत मंचासीन थे। इस अवसर पर मलखम्ब खिलाड़ियों ने प्रस्तुति भी दी। लगाया है और साथ ही सभी सांसदों को एक मेल भी किया है कि केंद्र ने 6,500 करोड़ रुपए रोक लिए हैं, इससे 35 योजनाएं प्रभावित हुई है। केंद्र ने किसी प्रकार से कहीं भी कोई भी एक पैसा भी किसी राज्य का नहीं रोका है। जो ये कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं। NRC पे भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार की नीति स्पष्ट है और उसके अनुसार काम चल रहा है। कोई फेरबदल होगा क्योंकि उसमें पूर्व सेना अधिकारी व विधायक के नाम भी बाहर हो चुके हैं। जो नीति बनी हुई है और जो प्रावधान है उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। जो केंद्र ने अभी यातायात नीति एक लाई है जिसके तहत जुर्माना बढ़ा दिया गया है, प्रदेश सरकार के जो मंत्री है उन्होंने इस बात का विरोध किया है। वो देश हित और जनता के हित में है। जो वाहन चालक है उनके भी हित में है और जनता की जान माल और सुरक्षा का ध्यान रखना सरकार का काम है और ये एक इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है।